बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर देख करके तो कई बच्चे तो बेहोश हो सकते हैं। तो ड्यू टू द हैवी फ्लड इन स्टेट हजारों लोग बेघर हो गए, रेंडर्ड होमलेस है, 50 स्कूल्स कलेक्टिवली नाउ स्टेट गवर्नमेंट के साथ उन्होंने जो है ये किया कि वो पैसा जमा करेंगे, 1500 टेंट्स लगेंगे कैनवस फॉर 1500 टेंट्स टू बी फिक्स बाय द गवर्नमेंट एंड डिसाइडेड टू शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली, कि सरकार भी और स्कूल वाले भी दोनों ही करेंगे। द लोअर पार्ट ऑफ द ईस्ट टेंट इज, नीचे का जो पार्ट था लोअर वो सिलेंड्रिकल था जिसका बेस रेडियस दिया हुआ है हाइट के साथ, कॉनिकल पार्ट इतना था वो भी दिया हुआ है, सरमाउंटेड है तो रेडियस दोनों का सेम होगा। इफ द कैनवस यूज टू मेक द टेंट, अगर कैनवस बनाने के लिए जो पैसा जो था 120 रुपीज पर मीटर के हिसाब से अगर उसका खर्चा आ रहा है तो टोटल अमाउंट जो स्कूल ने शेयर किया वो कितना होगा टेंट के लिए, ये दिया हुआ है। ड्यू टू द हैवी फ्लड इन ए स्टेट थाउजेंड्स, चलो पहले तो द फर्स्ट प्रियोरिटी वी हैव टू सेटल द फिगर बिकॉज द लोअर पार्ट इज सिलिंड्रिकल, ए बी सी डी, लोअर पार्ट ऑफ द ईस्ट टेंट इज सिलिंड्रिकल, बेस रेडियस इसका बिल्कुल ठीक है, बेस रेडियस इसका आर इज इक्वल टू 2.8 मीटर दिया हुआ है, मीटर मेजरमेंट्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एंड हाइट एच इज इक्वल आपका 3.5 मीटर दिया हुआ है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में चेंज कर दो और मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में चेंज कर दो अगर थोड़ा भी डिफरेंट लगता है एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में। और उसके बाद नीचे भी देख लीजिएगा कि जो कॉस्ट के लिए जब आपका कैनवस की कॉस्ट दे रहा है मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में चेंज करेगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज। नाउ बस हाइट आपकी नाउ कॉनिकल अपर पार्ट की जो है रेडियस तो सेम है, सरमाउंटेड पे है क्वेश्चन, एंड दिस हाइट एच इज इक्वल अपना 2.1 मीटर, क्वेश्चन इज लॉन्ग लेंथी लेकिन आपके अनुकूल है प्रतिकूल नहीं है, आपका फेवर कर रहे हैं क्योंकि पाई बाई पाई की वैल्यू जब 22/7 रखेंगे ऑब्वियसली 7 की मल्टीपल टेबल में आ रहा है इसलिए घबराने की जरूरत, तो फिगर तो बिल्कुल आपका ओके हो। फिगर ऑफ टेंट ए पार्ट हमारा क्लियर, उसके बी जो फाइंड आउट करना है आपका नाम आंध्र का, पहले तो आपका नाम यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, दिस टोटल कॉस्ट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट ये आपका फाइंड आउट करेंगे, एंड इट विल बी ऑल्सो फाइंड आउट जो आपका नाम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट ये आपका निकलेगा पहले, तब आपका टोटल कॉस्ट निकलेगा। और उसके बाद तीसरे में जो आपका शेयर लिखा हुआ, शेयर का मतलब आपका नाम शेयर ऑफ ईच स्कूल उनके बीच का सेटलमेंट है, हमने क्या करना ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि कर्व सरफेस एरिया जब हम निकाल रहे हैं, देखो व्हेन We have to find out curved surface area of conical part. ये देखिए बहुत क्लियर कर रहा हूं सर, उस समय आपको फर्स्ट यू हैव टू कंसंट्रेट अबाउट द फॉर्मूला अप्लाइड, ये मेरे पास बिकॉज आई एम क्वाइट वरीड अबाउट दिस कि ये आपका निकाल लिखा लेगा 28 एक्सैक्टली। तो नाउ एल इज इक्वल टू आपका नाउ दिस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिक्वायर्ड होता है, आपका नाउ आपका h कितना है 2.1 का स्क्वायर और प्लस
आपका नाम सर माउंटेन है, आपका नाम ये आर इज इक्वल टू 2.8 मीटर आपका ये स्मॉल लिखा तो इसको लिख देता हूँ। नाउ दिस 2.8 का स्क्वायर, एल इज इक्वल 4.41 और प्लस 28 का स्क्वायर कितना होगा सर? 784। एल इज इक्वल आपका कितना हो गया? नाउ 41 इज 5, आपका 84 इज 12, 74 11 एंड आपका 12, आपका 12.25 और ये आपका 3.5 मीटर आपका हो जाएगा। ये स्लैंट हाइट आपने निकाला, चेक कर लीजिए, ब्यूटीफुल। अब आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया किसका? टेंट का निकालना है। स्लैंट आपने निकाली दी है, ठीक हो गया। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट ये आप करेंगे तो नाउ इसे बोलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। तो दिस इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, पाई आर एल। तो नाउ पाई आर यू टेक कॉमन, सो नाउ योर एंटायर बैलेंस इज कमिंग 2h प्लस l, दिस पाई इज नाउ योर 22/7 and r of both are same, that is your 2.8. now 2 into height is up at 3.5 and l already you have find out, it's 0.4 aapka ho gaya. So now 22 into 4 ka matlab 8.8 into aapka 7.0 plus 3.5, so now 8.8 into ye aapka 5 ho gaya, 7 plus 3 is 10.5. ye dekhiye एग्जैक्टली कितना 92.4 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही सर, टेंट आपका ये हो गया। इसका मतलब आपका एरिया ऑफ यही आपका जो दिस इज द एरिया ऑफ कैनवास, यहां से जो आपका टेंट के बाहर से ये जो आपका लगेगा लकड़ी के फ्रेम के बाहर से, दैट इज द एरिया ऑफ कैनवास, यही आपका नाम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट होता है। पहले तो आपके दिमाग में ये आपका 92.4 आया, इज इट क्लियर? अब आपका नाम टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास इसे करो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इंटू रेट पर मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो नाउ 94.4 मीटर स्क्वायर इंटू रेट जी 92 कोई बात नहीं, उसको तो कर लेंगे। 120 रुपीस 120 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिएगा, 120 से 92.4 को मल्टीप्लाई करें जी 110.8, दैट्स वेरी नाइस 110.88 ये आएगा, बिल्कुल सही आपने एग्जाम क्लॉक यहां पे 120 से टोटल कॉस्ट ऑफ 1500 टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सॉरी कॉस्ट ऑफ 110 इंटू ये नंबर ऑफ टेंट रिक्वायर्ड, पूरा लिखना पड़ेगा सर तभी मजा आएगा ना। तो रुपीज 11088 इंटू 1500 रुपीज जी, दो जीरो तो ये आई है, 15 8 सा करिएगा जरा क्विकली जी। यस सर 1663200 1163200 हो गया, यस सर 1163। अब आपका देखो नाउ डिवाइडेड टोटल
number of schools who is sharing the amount for rendered homeless है जो इसका मतलब एक मिनट सर शेयर ऑफ ईच स्कूल अब बोलिए सर क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट भी तो इक्वल दे रही है फिर तो आएगा उसको डिवाइड बाय 50 करेंगे मैं तो पहले बोल रहा था नंबर ऑफ स्कूल तो आपके 50 है ना ना सर उसमें दिखाया था कि गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट भी सर आधा ले रही है ना अमाउंट आ रहा है लिए निकालना तो कितना होगी टू बी फिक्स बाय द गवर्नमेंट कैनवस फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्लेस हाँ तो आपका देखो ना कलेक्टिवली ऑफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्लेस गवर्नमेंट ने तो प्लेस कर दिया ना एंड कैनवस फॉर 1500 टेंट्स टू बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड डिसाइडेड टू शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली तो कायदे से तो क्या हो गया कायदे से तो सरकार ने क्या किया इनको आपका प्लेस दे दिया उसका खर्चा आपका उनके सर पे मर दिया ना उन्हें कहा हमने जमीन दे दी तुम्हें सर बचा 50 वो करेंगे इधर 50 दे दिया कह रहे हैं ये कह रहे हमने तो जमीन दे दी हां हमने हमारा काम कर लिया तुम हां तुम अपना काम करो ये ये हुआ इसका मतलब गवर्नमेंट का पार्ट नहीं लिखना हमें अब आप देखो कायदे से तो देखो ये आपका ना 50 स्कूल्स कलेक्टिवली ऑफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इट प्लेस ये देखो उन्होंने कर दिया द कैनवस प्लेस उन्होंने कर दी इक्वली तभी कह रहा हूँ नहीं तो आपका देखो एक मिनट अभी आपका इसका मतलब क्या हो गया टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स आपका हो गया आपका 1663200 आपका कितना 50 तो कितना डिवाइड करके 10 से 10 का लैस कर दीजिएगा 5 या 15 वैसे पता लग रहा 3324 अगर कायदे से क्या होता अगर गवर्नमेंट जमीन लेने के साथ भी अगर वो करती तो शेयर इसका बाय 2 कर देते गवर्नमेंट स्कूल्स के खाते में आपका देखो अगर वैसे देखा जाए ईच स्कूल का इतना आ गया ये 50 था इसमें क्या करते आधा 1/2 और कर देते इसका पहले 1/2 कर देते आपका 1/2 करने का मतलब आपके था 8316 इतना कायदे से क्या होना चाहिए था गवर्नमेंट को देना चाहिए था इसको डिवाइड करते आप 50 से तो वो आपका ईच स्कूल का शेयर आना चाहिए कायदे से तो ये होना चाहिए अब गवर्नमेंट ने जमीन दे दी ये तो क्लियर करना चाहिए सवाल वाले को जो मतलब इसमें टू बी फिक्स बाई द गवर्नमेंट कह दिया आपका नाम and decided to share the whole expenditure equally वैसे तो whole expenditure लेकर whole expenditure कहाँ से आ जाता है जमीन खरीदने से लेके आ जाता है आजकल तो लोग आपदा आई और संपदा लाई होती है आपका ठीक है ना तो ये था सर तो देख लीजिएगा